स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी ने ऋषभ पंत और दिल्ली कैपिटल्स टीम को छोड़ा है एक ओपन चैलेंज आईपीएल 2021 से पहले। महेंद्र सिंह धोनी का बयान मैं अभी आपको इस वीडियो में शेयर करता हूँ। धोनी जी ने अपने बयान में तीन बड़े चीज़ का खुलासा किया है। उन्होंने ये चीज़ स्टार स्पोर्ट्स का इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया है। वो सुनने से पहले दोस्तों अगर आप महेंद्र सिंह धोनी को एक अच्छे इंसान मानते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए सीएसके और दिल्ली ये जो आईपीएल का दूसरा मैच खेला जाएगा इस मैच में आप कौन सी टीम को समर्थन कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं नए नए कप्तान बना है ऋषभ पंत। श्रेयस अय्यर टोटल हो जाने के बाद दिल्ली मैनेजमेंट ने महेंद्र सिंह धोनी का असली उत्तराधिकारी ऋषभ पंत को कप्तान चुना है। कप्तान चुने जाने पर महेंद्र सिंह धोनी बहुत खुश हुए। अपने बयान में महेंद्र सिंह धोनी ऋषभ पंत का जमकर तारीफ किया है और उनको कप्तान बनने पर कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है। और साथ में धोनी जी ने पहले आईपीएल का मैच खेलने पर उनको एक ओपन चैलेंज छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है मैदान पे असली जंग लड़ा जाता है, मैं चाहता हूँ तुम हर दिन सीखो और अच्छे कप्तान बनो। चेन्नई सुपर किंग पिछले सीजन में जो चीज़ हुआ था वो सब भूलकर एक नए तरीके से शुरू करने के लिए तैयार है। हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है, हम कोई भी टीम को हराने के लिए पूरी तरीके से दिल दिमाग से तैयार है। बता दूं दोस्तों दिल्ली कैपिटल और चेन्नई सुपर किंग के बीच में पहले मैच 10 तारीख से खेला जाएगा। आप कमेंट करके बताइए इस मैच में कौन सी टीम जीतेगा। और दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी जो ऋषभ पंत को जो ओपन चैलेंज छोड़ा है इसका क्या जवाब दे सकता है ऋषभ पंत वो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऋषभ पंत का महेंद्र सिंह धोनी का ओपन चैलेंज का रिप्लाई सुनने को मिले।